हाय, हेलो हेलो रोटाली, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए जी। बस बस मैं बस मेरी जिज्ञासा इतनी ही है कि अब आपको खिड़की से ही झांकना पड़ेगा अमिताभ भाभी के पास, आप उनके घर नहीं जा पाएंगे। जी बिल्कुल, और ये सबसे मुश्किल की घड़ी है क्योंकि इस समय जो आपकी असली भाभी को मुझे पता नहीं कितने महीने और देखना सही बात है। वैसे आप आपसे गुड़ सीख करके बहुत सारे लोग अभी टाइम पास कर रहे होंगे अपनी पड़ोसियों की भाभी की खिड़कियों में झांक झांक कर। लेकिन अभी एक जोक जो है पॉपुलर हुआ है कि अभी भाभी जी घर पर है, बहुत देख लिया, अब देखिए कि भैया जी घर पर हैं। सही बात है, भैया जी घर पर है बिल्कुल। तो क्या कर रहे हैं भैया जी, का वक्त कैसे कट रहा है? भैया जी अभी जो है वो काफी सारे काम कर रहे हैं। मतलब मैंने शुरुआत में जब हम स्ट्रगलर थे, आपको पता है, हम बहुत छोटे छोटे शहरों से जी आए हुए जी हैं, जी 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 तो यहाँ पर आकर जो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम छोड़ छोड़ गए, जैसे कपड़े धोना, जैसे खुद ही कपड़े धोते थे, मशीन तो जी हमने जी बाद में ली, कपड़े जी धोना, कपड़े सुखाना, सफाई करना, पोछा करना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सब काम धीरे धीरे चल रहे हैं अभी तो। अभी तो बस फिलहाल नौकर की स्थिति बनी हुई है घर में। असली वाली भाभी जो है रेखा जी, वो तो बड़ी खुश होंगी आजकल। जी वो बड़ी खुश है, वो बहुत खुश है। वो जो है, मैंने कहा मैं जरा नीचे चला जाऊं, बोलते नहीं नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। ऑन अ सीरियस नोट, ये कितना मुश्किल है घर पे टिके रहना, बंधे रहना। नहीं देखिए, मुश्किल तो है क्योंकि आप जानते हैं कि टेलीविजन एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अब डेली शूट करने की हमें आदत पड़ जाती है ना। अब पिछले 15 साल से हमारी ये हालत रही है कि वो तो एसोसिएशन ने थोड़े से घंटे जो है निर्धारित कर दिए, नहीं तो सही एक बात है, घंटे, एक समय था जब हम 50-50 घंटे शूट करते थे, सही तब बात है। तो पागलों वाली स्थिति थी। तो ऐसे में टोटली घर पे बैठ जाना 15 साल के बाद, ऐसा लग रहा है बाप रे जेल हो गई यार, जेल हो गई। सही सही बात है, सही बात है। और अगर भाभी जी की बात करें तो जी अंगूरी भाभी, अनीता भाभी, विभूति जी, इनको मिस कर रहे हैं आप? जो बहुत मिस कर, मैं अपने आपकी पूरे रियल सेट को फैमिली, बहुत मिस कर रहा हूं। हाँ आपकी रियल फैमिली से ज्यादा वक्त तो आप उन्हीं के साथ बिताते हैं। हाँ बिल्कुल, नेचुरली 12-12 घंटे तो उन्हीं के साथ रहते हैं, और वो भी महीने के तकरीबन 26-27 दिन, आप जान लीजिए, और पिछले 5 साल तो हो ही गए हैं, आप पांच देख साल लीजिए पांच साल जी। तो मेकअप रूम ही घर लगने लगा था। हाँ। सारी जरूरत की चीजें जो थी मेकअप रूम में ही थी। भाभी जी जी एक रोहिता जी, हालांकि मुझे पता नहीं ऑडियंस को इसमें कितना मजा आएगा, लेकिन भाभी जी ने उस फीलिंग को टच किया है जो हमारे यहाँ मतलब देश के सभी लोगों के अंदर था पुराने बिल्कुल सही जमाने से बात है लेकर अब तक। मतलब जी। एक हाँ वैसा सेंटीमेंट जो प्योर सेंटीमेंट भी था, थोड़ा मस्ती भरा भी था। जी इसी हाँ को जी टच हाँ किया, इससे इतना पॉपुलर शो है। मुझे नहीं याद है कि जितना बैक टू बैक मैंने भाभी जी देखा है, मैं कोई और शो देख सकती हूँ, जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ है। जी, एक्चुअली क्या था इसमें, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक नॉटीनेस है, एक शरारत है, और शरारत जो है ना बहुत आदर्शवादी नहीं है, बहुत आइडियलिस्टिक हाँ नहीं है कि आपको पढ़ाया जा रहा है कि देखो हाँ बच्चों अभी ना देश ऐसे संभलता है, बच्चों आपको ये करना है वो, नहीं, भाभी जी घर पर हैं, क्या बोला, नहीं भाभी जी आई लव यू, क्या बोला, होठ ऐसे से फड़फड़ा रहे, तो मतलब विचार खटखट 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 आते हैं। तो ये एक बड़ा ही नॉटी सीरियल है जो लोगों को बड़ा पसंद आता है क्योंकि हाँ आप देखते हैं हमारे छोटे छोटे शहरों में लोगों की मानसिकता ये होती है कि दूसरे की थाली में खाना हमेशा स्वाद लगता सही बात है। है। तो अरे थैंक यू अविनाश जी, एक बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं साथ में एकदम जी से जी जी हैं। जी तो आप देख दीजिए कुछ कमेंट्स लेते हैं। जी। हेलो, आप भाभी जी को, ये हेलो मालकिया राज, जी वो बोल रहे हैं, आप भाभी जी को प्रपोज करिए यहाँ से फोन पर, अनीता भाभी जी सुनेंगी आपकी बात। अरे अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो कभी जिंदगी में भी अपने घर से कहीं दूसरे को ना झांकूंगी और ना ही अपने घर में झांकने दूंगी। ज्यादा अत्याचार हो चुका है। हाँ तो इस समय जो है, थैंक यू अभिषेक सिंह, थैंक यू, थैंक यू या, तो ये अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया तो मैं घबरा गया, मैंने कहा अभी तो मैं रोहिताश्व हूं, मैं कैसे झांकू भाई। क्या सही बात है, सही बात है। तिवारी जी होते तो और झांकते। रोताश्व जी, अगर इस स्थिति में तिवारी जी फंस जाएं, जहां वो घर में बंद है और भाभी जी से ना मिल पाए, उनको ना देख पाए, तो उनकी क्या स्थिति होगी अंगूरी के साथ? बार बार हम यही कहेंगे पगली अभी ये बता दो, पगली अभी वो बना दो, और उसको व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर वो व्यस्त ना हुई
तो फिर वो हमें बहुत बुरी तरह से व्यस्त करेगी। सही बात है। आप असली भाभी को भी देखना चाहेंगे क्या? हाँ, असली भाभी को बिल्कुल देखना चाहूंगी, आप असली भाभी को दिखाइए जी। रेखा जी, अरे रेखा, अरे यहाँ तो आओ एक मिनट। इनसे जरा पूछिएगा कि ये क्या सोचती हैं जब हम जो दूसरी। हाँ चलिए, इशारा काफी है। ये है रेखा जी। हाय रेखा जी, कैसे आप? नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब आपने तो ये भाभी जी पर नजर रखने वाले उनको बंद कर दिया, कैद कर लिया, सारी भाभियां जो है परेशान हो गई है देश भर की। दिस इज थैंक्स टू कोरोना। लेकिन ये लेकिन जितना भी हो, ये घर पे रहिए, पता नहीं कितने बार वो अंगूरी जी का नाम लेते हैं, अनिता अच्छा। जी का नाम लेते हैं और अपने दोस्तों का नाम लेते रहते हैं। माय गॉड, कई बार तो मुझे वो कहते हैं अनिता जी जरा ये, और जिसे कह रहे ना होठ फटाना वैसे, और फिर वो कुछ शब्द खा लेते हैं बकायदा अंदर, ही जस्ट स्वॉलोज इट आउट, यू नो, ऐसा है तो आप... हाँ बोलिए बोलिए जी। जी जी नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं तो मतलब इनके राज खुल रहे हैं घर बैठ के। एक्चुअली अंगूरी, अंगूरी नाम से बुला लेते हैं ये। निकलता है अंगूरी कम है, अनिता जी ज्यादा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब ये वहां पे अपने सेट के घर पर रहकर और हमेशा पड़ोसी के घर पर नजर रखते हैं, नजर पड़ोसी भाभी पर होती है, तो आपके अंदर कैसी भावनाएं निकलती हैं? नहीं मैं सिर्फ एक आई जस्ट थैंक गॉड, मतलब जो कुछ भी है वहाँ है तो ठीक है, सेट तक ही रहे, यहाँ पर नहीं आए तो यहाँ वो हाल नहीं है कि मेरा घर बिल्कुल ही बंद है, तो झरों के जो भी हैं खिड़कियां हैं वो घर बहुत ही दूर है, तो यहाँ से पता चलेगा ना कि वो भाभी है या भैया है। ये पता चला ना भाभी निकली ना भैया निकले। ये घर सिलेक्ट किसने किया, ये घर सिलेक्ट किसने किया था? ये हम दोनों की चॉइस थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ सीरियल करेंगे। अच्छा, पहले और ने घर लिया था ये। हाँ तो थोड़ा दूर। लेकिन है यहाँ पे, भाभी यहाँ पे है, लोग दे वुड बी वेरी हैप्पी अगर ये उस तरह की हरकतें यहाँ करें तो टाइम पास हो जाएगा घर में। अरे बाप रे। वैसे बेटर होगा, देखिए आप घर से ये वाला सीरियल आप लोग शूट करके भेज सकते हैं, रियल लाइफ, रियल लाइफ भाभी वाला मोबाइल शूट। अभी अभी जरूर, अब जैसे अभी उस वक्त में जब मोदी जी ने कहा था कि हम शाम को 5 बजे जनता कर्फ्यू के दिन, वो एक्चुअली वहाँ पे हमने पहली बार हमारे सामने के बिल्डिंग वालों को वेव किया और मैंने हमने कम्युनिकेट किया इशारों से भी, सो ये एक अच्छा था। तो मतलब सीरियल, सीरियल ने तो नहीं करवाया लेकिन हाँ मोदी जी ने करवा दिया इस तरह से। सो इस तरह से मोदी जी से आप लोग काफी, भाभी जी के लोग काफी जुड़े हुए हैं, स्वच्छता अभियान से आप लोग जुड़े हुए थे, मैंने देखा आप सोशल अवेयरनेस की वीडियोस भी हमेशा बनाते हैं। जी इनफैक्ट मोदी जी ने तो इन्हें बताया नहीं होगा, बताया आपके लिए आपको? एक्चुअली स्वच्छता अभियान के लिए उन्होंने हमें नॉमिनेट किया था, एक्चुअली उन्होंने एक पर्सनल खत भी लिखा था हम लोगों को, तो थोड़े से हम इमोशनल हो गए थे उस समय कि बाप रे देश के प्रधानमंत्री ने खत लिखा है बे, और वो भी तुझे। नहीं एक्चुअली इस अब ऐसा है कि हम ही नहीं, नॉट ओनली इंडियंस लेकिन आई थिंक दुनिया भर के लोग उन्हें देख रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं, तो बिंग वैसे जो भी पीएम हो हम तो रिस्पेक्ट करेंगे ही और हमारे देश के लिए करेंगे जो भी, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए पूजनीय है, ऐसे है। अच्छा अब अपनी असली वाली भाभी के साथ भी तो थोड़ा फ्लर्ट कर लीजिए आप, असली वाली हमारी जो भाभी है। अरे क्या बात है, क्या बात है, वैसे ये लीजिए, क्या बात है, तो सुहागा हो गया। देखा जी आपने तो कैद कर रखा, आप इनसे झाड़ू पोछे करवा रही, कपड़े धुलवा रही, बकायदा 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 मैं तो सब करवा रही हूँ, बिलीव मी, क्योंकि वैसे मैं भी इतनी बड़ी वो घर में एज अ हाउस वाइफ नहीं रही, तो बहुत ही बाहर घूमी हूँ, तो मेरे लिए जो लोग आधे घंटे में काम करेंगे मैं उसे 1 घंटा लगाती हूँ, और अब जब मेरे पास दो हाथ और हैं तो मैं क्यों नहीं करवाऊंगी। ये बकायदा इन्होंने शोकेस साफ किए, अपने अवार्ड साफ किए, कपड़े सुखाते हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन डालते हैं, खाना पकाते हैं, सोफा क्लीनिंग करते हैं, आप जो बोलिए मैं करवाती हूँ। और पता है पहले क्या था ना कि कुछ अगर हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हो जो होना ही है पति पत्नी में, तो ये घर के बाहर निकालते थे, घर के बाहर निकलो थोड़ा घूम के आ लो। हाँ, क्योंकि हमारे ना बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी मतलब थोड़ा सा तूफान ज्यादा घर में हो तो उस तूफान से बचने का एक ही तरीका है कि थोड़ा सा ना निकल जाओ नीचे की तरफ, या फिर जब बहुत तूफान हो ना तो कहते हैं वो एक पक्षी होता है जो सर को ऐसे कर लेता है,
तो तूफान जब गुजर जाता है फिर वो ऐसे उठता है, तब तक जो सब शांत हो गया होता है। ये था मतलब ऐसे होता है तो ही जस्ट लीव द हाउस एंड कम बैक अगेन, नो ऐसा अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब कहाँ जाएंगे तो काम कीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोरोना ने हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार कर दिया है कि गुरु शांत रहो। नहीं और ये आई लव टू शेयर विद यू कि घर में यही नहीं, बच्चे भी जो है हमारे बेटियां भी हैं वो भी कर रही हैं, एक्चुअली वो बर्तन धो रही हैं, झाड़ू लगा कर रही मकर रही हैं, पोछा लगा रही हैं, नो एवरीथिंग जो भी है, फ्लोर क्लीनिंग हो, यूटेंसिल्स हो, और अपने कपड़े संभालना सब कुछ खुद कर रही हैं, अपने रूम ठीक करना वगैरह। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव है कि घर में रह के एटलीस्ट उन्हें पता चला कि ये बहुत जरूरी है और वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मोदी जी ने मन की बात की उसमें भी उन्होंने काफी डिस्कशन किया इस बारे में कि लोग घरों पर अपने पुराने शौकों को जो है रिवाइव कर रहे हैं, गिटार निकाल रहे हैं, वीणा निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी ने कविता लिखी इंस्टाग्राम पे, आप पढ़ लेना। और वो कहाँ है आपकी बेटी? गीती गौड़, गीती मैं बुलाती हूँ, और वो पहली बार कुछ लिखा उसने। और विकास गुप्ता ने उसको जो है इंस्टा पे कल लाइव शेयर किया उसकी उस चीज को, ठीक है, मतलब उसको लाइक किया। आई साइन ऑफ, आई सेंड गीती नाउ, ठीक है? या प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू रेखा। या एवरीवन प्लीज स्टे एट होम, प्ले भी कर रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज थैंक यू। हां जी बोलिए जी रोहिताश जी। तो अभी जरा हम भाभी जी वाले मसले पर आते हैं जी। भाभी जी में एक अंगूरी जी बदली, शिल्पा के बाद शिवांगी आई, शुभांगी आई जी, तो जी 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 कैसा था वो एडजस्टमेंट आपके लिए? देखिए शुरू में तो थोड़ा रियल लाइफ में तो मौका मिल नहीं पाता है, आपको रियल लाइफ में मौका मिल गया। नहीं शुरू में तो वाकई तकलीफ हुई थी क्योंकि हाँ। एकदम से वो गई थी तो आदत पड़ जाती है भी, और लोग बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन शुभांगी ने आके उस जगह को ऐसा भरा कि मैं बता नहीं सकता, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे हाँ। कि सिर्फ 2-3 महीने में ही जो है उन्होंने उसको कैरेक्टर को पकड़ लिया, और क्योंकि वो इंदौर की और उनकी भाषा जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब बेहतर भाषा उन्होंने पकड़ी, तो हम थोड़े से राहत की सांस ली कि कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं यार, नहीं हाँ। तो शायद अगर सीरियल बंद हो जाता तो कितने लोग घर बैठ जाते और कितने लोग का मनोरंजन बंद हो जाता, मनोरंजन बंद बिल्कुल, और इतनी बेहतरीन चीज जी, सही बात। ये एक और बात कि शिल्पा और शुभांगी में अगर आप कंपैरिजन करें, देखिए आप मुझे बड़ी पशुपेश की स्थिति में डाल रही है, इसको बोलते हैं पशुपेश की स्थिति। देखिए जो चला गया उसे भूल जा, क्या बात, अभी जो प्रेजेंट में है वो तो शुभांगी जी है। तो चलिए हम ये टॉपिक आगे ले, गीती आ गई, हाय गीती। ये गीती है, मेरी डॉटर है, और हेलो नमस्ते, हाय गीती, कैसी हो? हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? तो गीती आप क्या करती हो और क्या कविता लिखी आपने? मैंने अभी अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और आर्ट्स में, और अभी मैंने कविता तो नहीं, मैंने अपनी स्कूल की जर्नी लिखी थी कि कैसे जब मैं थोड़ी सी हेल्दी सी थी, मोटी सी थी, तो मुझे कैसे लोग टीस करते थे, लेकिन मैंने उसे कैसे ओवरकम किया, तो मेरे पेज पे आप जाके जरूर देखिएगा। लंबा है, अगर छोटा तो आप सुना सकती हैं? लंबा, काफी लंबा है, इसलिए हम शेयर करेंगे उसका कुछ, अगर 2 लाइन अगर आप बताना चाहें इन शॉर्ट। Yeah. हाँ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मेरे पास है, तब तक हम बात कर लें। हाँ आप बात हाँ। तो हाँ तो शुभांगी जो है, अब मैंने कहा जो चला गया उसे भूल जा। शिल्पा ने पिछले दिनों बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंसी थी, आपको पता चला था? वो उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला पर कुछ कमेंट किया था, आपकी नजरों से गुजरा था वो? हाँ कुछ गुजरा तो था, यस बिल्कुल गुजरा था। हाँ तो उन दोनों की दोस्ती के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ना हमें इस बारे में कुछ जानकारी रही है शुरू से, और ना ही हमने इस बारे में कुछ जानने की कोशिश की है। आप धीरे धीरे जर्नलिस्ट की तरह शिकंजा मजबूत करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कैजुअली बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपके आपके ऑप्शन में है, आप बात करना तो करिए, क्योंकि लोगों को मुझे आपसे सिर्फ तिवारी जी जैसे बात करने में मैं बहुत खुश हूँ। जी जी जी, नहीं आप दाएं बाएं की भी बात कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है, तो दाएं बाएं की बात ही तो मैं आपसे कर रही हूं, फिलहाल दाएं की बात। लेकिन आप कुछ ज्यादा दाएं मुड़ गई है एक्चुअली। अच्छा ठीक है, तो लौट कर आती हूँ।
आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. आपने सीरियल से शुरुआत की, छोटे शहर से आए और फिल्मों में आपने बहुत अच्छी फिल्मों में किरदार किए. एक मेरा सवाल, जब मैं आपका गूगल पे पूरा सर्च कर रही थी तो मुझे एक सवाल जहन में आया कि आपने फिल्मों से अपने आप को क्यों लिमिट कर लिया है? क्योंकि जो आप में पोटेंशियल है, जो जिस तरह का संजय मिश्रा या पंकज जी जिस तरह के रोल्स करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप वो रोल्स बहुत बखूबी कर सकते हैं. तो आपने फिल्मों में वो एक जॉनर है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इन दिनों, बहुत ज्यादा. तो आपने भाभी जी के चलते लिमिट किया है क्योंकि पीके के बाद आप नजर नहीं आए और बहुत अच्छे रोल्स आप करते थे. जो भी रोल्स आपने किए काफी अच्छे इंटरेस्टिंग रोल्स किए, लोगों को पसंद आए हैं. देखिए क्या था कि शुरुआत में जब मैं आया था ना तो मुझे टेलीविजन में ज्यादा काम मिलना शुरू हो गया था. उसके बाद फिर मैंने जब फिल्म में रुख किया तो उस समय ऐसी फिल्में नहीं बन रही थी जैसी कि मतलब अब बनने लगी है. जैसे स्त्री है, बधाई हो है, उसमें कोई स्टार नहीं है तो तवज्जो जो है एक्टर्स के ऊपर है. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता था. मैं आपको बताऊं, जब मुझे एक सीन मिलता था और सारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो है मेरे ऊपर आकर याद कर लिया तुम्हें याद हो गया, मुझे लगता था यार ये क्यों इतना मेरे ऊपर. नहीं देखो आपके देखो सामने, देखो बम्मन खड़े हैं ना सामने, अभी अभी जो है वो भी आने वाले हैं. मैंने कहा यार मैंने 10 साल प्रोफेशनल थिएटर किया है, तुम मेरे को सिखाओ मत ये. सही बात. तो मैं थोड़ा विचलित हो जाता हूँ इन चीजों से. मैं बताऊ आप सेंसिबल आदमी की तरह बात करें और सेंसिबल तरीके से अप्रोच करें चीजों को. तो छोटे छोटे जब अब बड़ी स्थिति, बहुत स्थिति बदल. अब संजय मिश्रा मेरा बैचमेट अगर इतनी खूबसूरत फिल्म में इतना खूबसूरत रोल कर सकता है और दर्शक तालियां मार रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता. मैं रात के शो में बैठा था और एंड में सब रो रहे थे उस क्लाइमेक्स के ऊपर. बढ़िया फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म. कितनी बढ़िया बात है कि अब एक्टर्स को तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है. ठीक है ना. नहीं तो मैंने तो एक ऐसी भी फिल्म की थी जिसमें छोटा सा ही किरदार था तो बंदे ने मेरा OS शॉट होता ना, OS तो OS शॉट में आपको नेचुरली काउंटर शॉट भी लगाना है तो बंदे ने काउंटर शॉट ही नहीं लगाया. ओह माय गॉड. तो ये चीजें मुझे दुख देती थी. दुख देती तो आप समझ गए. और टीवी में मुझे अच्छे रोल मिलने शुरू हो गए जिसमें मतलब मैं अपने आपको दिखा. जैसे अब लापतागंज में आप कॉमन मैन का रोल है, शरद जोशी की व्यंग रचनाओं में एक कॉमन मैन जैसे पंकज कपूर ऑफिस में थे तो अच्छा लगता है ना. सही बात है. तो आपके दिल को सुकून मिलता है, आपको लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छी बात है. तो ऐसे समुद्र में तैरने से क्या फायदा जहाँ छोटी मछली के रूप में तैरे. हम छोटी मछली में ही खुश है, छोटे तालाब में खुश है अभी फिलहाल. लेकिन अभी अभी लेकिन अब क्योंकि अब क्योंकि बहुत अच्छी फिल्में आ रही है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. बढ़िया. बहुत स्त्री है, बधाई हो, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में मैंने अभी देखी है, सारी देख डाली. आप अपने तो मुझे लग... मीडिया पे शेयर कर लीजिए कि आप ओपन है, भाभी जी घर पर है, में रहते हुए भी आप फिल्म में रोल कर सकते हैं. हाँ नहीं मैंने कर दिया है, मैं बोलता रहता हूँ. लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्थिति क्या है कि हम लोग भाभी जी में बिजी बहुत है. मैं आपको बताऊँ हम लोग अब 15-15-20-20 दिन के शूट के लिए नहीं जा सकते. सही बात. और सबसे बड़ी बात ये वो उसमें मुझे मजा बहुत आ रहा है क्योंकि वो टिपिकल डेली सोप नहीं है जहाँ मैं चाचा ताया मामा या बना स्टॉल लगा के खड़ा हूँ यू करके और फिर आंसू डाल के और फिर बाहर आऊं कि बेटी अच्छे से रहना या ये सब का नहीं है मामला. तो एक मस्ती भरा रोल है, नॉटी रोल है जिसको करने में भाषा इतनी अच्छी है, सीरियल में सीन्स इतने कमाल के आते हैं तो इंजॉय कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं. और लाइफ में सुकून सबसे बड़ी चीज है जहां तक मैंने देखा. मुझे सुकून मिल रहा है. बस जब मेरी मर्जी होगी मैं चला जाऊंगा फिल्मों में, बोल दूंगा अब सीरियल बंद. वो समय आएगा, देखेंगे कब आएगा. रिताश जी अब बतौर तिवारी जी जरा आप थोड़ी बातें करिए. तिवारी जी हैं और तिवारी जी अब हाल बता रहे हैं विभूति जी के घर का और अपने घर का भी. विभूति जी का भैया बहुत बुरा हाल है और अनीता भाभी जो बर्तन मंजवा रही है, पोछा लगवा रही है, जो हमेशा भी लगवाती है लेकिन बाहर नहीं भेज रही है, जिसके लिए बहुत तड़प रहे हैं. बार बार जो हमारे साथ बालकनी में आकर कह रहे हैं कि सुनिए वो भाभी जी हैं, हमने कहा कौन सी, कह रहे आपकी. तो हमने कहा भाभी जी हैं, मैंने कहा कौन सी, बोल रहे आपकी. तो दोनों जो है वो इसी तरह से खेल रहे हैं. और अंगूरी और अनीता, अंगूरी और अनीता तो सिर्फ बालकनी में ही लगी हुई है. हेलो हेलो अनीता जी कैसी है, कैसन बा. अंगूरी जी मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू. आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू. हम भी ठीक बा, लेकिन बहुत बोर हो रहे हैं यहाँ पर. तो ये सब इस तरह का वार्तालाप चल रहा है. और आपकी आपकी मम्मी वाला कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आपकी अम्मा वाला बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो.
जी वो हमेशा चीजें गिरा देती हैं और उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। वो एक पंडित रामफल है, उनका नाम है पंडित रामफल। और भभूति जी अक्सर हमें छेड़ते हैं कि उस हमें लगता है कि आप पंडित रामफल का ही फल है। आपको सीरियल में ये भी अवसर मिल रहा है कि आपकी मम्मी का अफेयर चल रहा है। और वो उनका नाम लेके हल्की सी शर्माती भी है। इस सीरियल का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चार किरदार मेन है और वो चारों जो है वो मतलब एक दूसरे की चोरी नहीं पकड़ पाते जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत और इतना फ्लॉलेसली वो होता है कि जी मजा है। फ्लॉलेस है वो राइटर, वो राइटर का भी कमाल है जो लिखता है। और जो डायरेक्टर है शशांक बाली साहब जी, ओ बड़े कमाल के आदमी है, बड़े छुपे रुस्तम है वो। पूजा बोल रही है हेलो कच्चा बनियान। हाय निकुल, सौरव मुझे आपकी मातृभूमि बहुत अच्छी लगी। ओ ये एक बड़ी पुरानी फिल्म की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया फिल्म है, मैंने भी देखी। मनीष झा ने डायरेक्ट की थी। यस बढ़िया फिल्म। उसमें मैं तुलिप जोशी के फादर का रोल मैंने किया था। बहुत बढ़िया फिल्म थी। मुझे उस फिल्म का जो वो शुरू का जैसे फिल्म शुरू होती है आपकी और तिलिप के साथ में, बेहतरीन फिल्म, जहाँ पर वो मोनोलॉग आता है कि मतलब जहाँ परिस्थिति बताते हैं और आप इंट्रोडक्शन होता है कि आपकी बिटिया छुपी हुई है, ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल। जी जी जी, नहीं कुछ अच्छे काम किए, लेकिन उस समय क्या होता था ना, ऐसे काम लाइमलाइट में आते नहीं थे, नहीं आते थे सही, क्योंकि वो फेस्टिवल की फिल्में हो जाती थी। ये पता चलता था कि स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, ऐसा पता चलता था हमें। सही बात। थोड़े मैसेजेस लेते हैं। खोखे पे आ गए क्या? नहीं खोखे पे नहीं जा रहे भाई, सौरव। हाय नीति, हाउ आर यू? थैंक यू सूरज, जस मारती, एक तो नाम बड़े, गोपाल भगत थैंक यू, मयंक नमस्कार, नमस्कार मयंक आपको भी, हेलो नीव। हाँ नहीं भाभी जी घर पर नहीं, अपने घर पर है। अर्चना नागर थैंक यू, हाय नीति, हाय आट, एक ने ऐसे बोला। जो मैं तिवारी जी के रूप में बोलता हूँ। हाय अंकु आनंद, गौतम वर्मा थैंक यू, अरे बाप रे, नथावत थैंक यू बेटा, पंकज भी अच्छा हूं पंकज, बिल्कुल गुड आफ्टरनून नीति, अमन सिंह थैंक यू डियर, करमारकर संदीप हेलो 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 या हेलो, राहुल कोरोना घर पर है एक बोल रहे हैं। नहीं भैया फिलहाल तो कोरोना, भैया कोरोना घर से बाहर नहीं, दुनिया से बाहर हो जाना चाहिए, कहीं ब्रह्मांड में कहीं अदृश्य हो जाना चाहिए। नहीं खोके पे नहीं जा रहे भाई। अंकु आनंद थैंक यू, अंकु बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कर रहा है, 24 मार्च को था मेरा, थैंक यू रुद्र, एक्टिंग अरे हाँ एक्टिंग के टिप्स क्या बोला, हेलो तेज, हेलो हाय गौरव, सेमी थैंक यू, प्रणाम शुभम, गौतम वर्मा थैंक यू, हेलो हाय रुपेश, थैंक यू धन्यवाद, समी ब्यूटीफुल थैंक यू। नहीं 27 मार्च को नहीं, 24 मार्च को था ना, नमन हाय निकुल, श्रीकांत, करण तोम्बरे, गौतम वर्मा थैंक यू, नवनीत रो हाय दैया। मैं अच्छा हूं, कच्चे बनियान के खोके पर नहीं जा रहा हूं। सीमा रवीश थैंक यू, उपुदत्ती अज्ञात थैंक यू, मेहरबान प्रियांशु हेलो, हाय प्रियांशु, हाय राहुल खन्ना, हाय सौरव, रवीश, अंकु आनंद, रुद्र दीपक थैंक यू डियर, निकुल, अनिल अरोड़ा थैंक यू, समर काला थैंक यू बेटा, रुपेश, टिल्लू के पैसे रुपेश कभी नहीं दूंगा बेटा, दे दिए तो कहानी खत्म हो जाएगी। मयंक हाँ,
एक ने क्या लिखा है, कोरोना के एक अच्छे बनियान बनवाइए आप. युवराज पांचाल, हाँ भाई अभी तो शटडाउन लॉकडाउन में है. अरे नाम क्या बोलू, एक मिनट नाम पता तो चले, नाम बोलो. जागृति चौबे, थैंक यू जागृति. जयप्रकाश रवीश, जयवर्धनम, थैंक यू. जागृति दुबे, नीतीश, थैंक यू डियर. बॉर्डम महिला, पंकज पिंकू, थैंक यू. मीरा, थैंक यू. विनीत पांडे, बापरे. इमोन, नीति, क्षितिज, हाय क्षितिज, थैंक यू बेटा. प्रवीण सिंह, थैंक यू. अनिल अरोड़ा, हाँ हप्पू सिंह अपनी ड्यूटी पर नहीं, हप्पू सिंह भी अपने घर पर है. प्रतिमा, मनोज, रोही, लेहल, अविनाश, थैंक यू डियर. इमरोज, हेलो. इमोना, हाय इमोना, थैंक यू, आई लव यू टू डियर. मीरा, आई लव यू टू डियर. मनीष, मयंक, हाय. मीर, फ्रांसी, सखम, बाप रे नाम बड़े मुश्किल मुश्किल से लग रहे हैं. फैशन क्लब वाइफ, जयवर्धनम, थैंक यू डियर. बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम. वाइट कोहिनूर, ये अपने नाम नहीं, कई बार अपने कुछ तखल्लुस भी रखते हैं ना. हाँ, हाँ. ये कुछ तखल्लुस ज्यादा रहते हैं. हाँ, पंकज पिंकू, हाँ. अच्छा आप हिंदी बड़ा अच्छा बोलती है, समावेश, वाह क्या बात. इमोना, कुमार, दीपक, शुभम सिंह, थैंक यू डियर. केपी, रुपेश, थैंक यू. अंकु, निकुल, रूबी गोरैया, इमोना, थैंक यू. अरे इमोना, थैंक यू डियर, थैंक यू. श्रीकांत, गौरव, लेहल, प्रवीण शर्मा, थैंक यू. रोही, इमोना, तो पढ़ते जाएं? नहीं, अब गीति को बुलाते हैं. गीति रेडी होगी अपनी उसके यहाँ. गीति आओ. वो बोर हो गई, गीति बोर हो गई. गीति तो है, थोड़ा एक्ट्रेस बनना चाहती हैं ये. अच्छा, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं. हाँ, अभी थोड़ा सा हम पढ़ाई की तरफ इनकी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. हाँ, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट. जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है. हालांकि इन्होंने हाल ही में एक छोटी सी वीडियो एल्बम भी की थी, शी इज अ गुड डांसर टू, अच्छी है. अरे वाह. जी, पवन सिंह, हेलो पवन सिंह. क्षितिज, थैंक यू डियर. सोहित सोनी, मैं अच्छा हूं सोहित, या मेहरबान, थैंक यू. पंकज पिंकू, पायल, मीर, बहुत से लोग बोल रहे हैं कभी ये सीरियल आप छोड़ना मत, चाहे जो भी करते आप ये सीरियल कभी मत छोड़ना. बताइए फिर हम फिल्में कैसे करेंगे, बताइए. अब आप जो कह रही थी है ना, बहुत से लोगों ने कहा है कि आप टेलीविजन छोड़ना मत, ये सीरियल छोड़ना मत, बहुत से लोगों ने. ये मेरी एक्टर है, कैसे ये मेरी बीच में जो है ये छोटी बेटी है. आओ बेटा. गीति, आप बोलो. गीति, आप सुनाइए, फिर आपकी छोटी सिस्टर का भी हम लोग परिचय लेंगे. तो ये स्टोरी का मैं लास्ट पार्ट बताती हूँ, जिसमें मैंने लिखा है, नोट, नोबडी इज परफेक्ट, everyone has flaws, I have too. Start loving your flaws and never give up. You'll surely find a way just like I did. And I say this again, all these years have taught me not to be them, they have taught me to be me. Kya baat hai, such a beautiful message, such a beautiful Thank message you. If it is coming from a young girl like you. Thank really you so much. To be yourself. Thank you. तो गीति, हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आपको हम अच्छी एक्टर, डांसर, स्टाइल एक्टर, आर्टिस्ट बनते हुए देखेंगे. थैंक यू सो मच, होपफुली यस. अपने बारे में बताओ, टीजी प्लीज. सिस्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाइए. आओ बेटा.
यहाँ आओ. हाय 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 बेटा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू पीपल. सो नमस्ते, मेरा नाम संजीति गौर है. माय हॉबीज आर डांसिंग, एक्टिंग. यस. एंड सम हाउस I am 11 years old. And in which class are you studying? कौन सी class में पढ़ रहे हो? I am in 6th standard in Gokuldam High School and Junior College. क्या बनना है आगे आपको? क्या करना है? मुझे acting की field में जाना है. अरे तेरा. सब लोग पापा भाभी जी घर पर हैं. पापा कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं. He's doing a great job. आपके friends क्या कहते हैं? आपके पापा के serial देखते हैं वो लोग? हाँ, फ्रेंड्स क्लास में बोलते रहते हैं, तिवारी जी ना, तिवारी जी तेरे पापा है ना, या हम उन्हें देखते हैं रोज, हम उनके सीरियल के लिए वेट करते हैं. ऐसा कभी हुआ किसी ने आपको तिवारी बोला हो? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कभी कभार, कच्चा बनियान टाइप्स, मतलब पापा उसका बिजनेस. ठीक है, पर कच्चा बनियान हमारा नेशनल क्लोथ है जिनको पॉपुलर किया आपके पापा ने. अभी किसी ने मुझे एक मैसेज भी भेजा था कि सर ये जो मुंह पे मास्क लगाते हैं ना, ये कच्चे के तौर पे भी यूज किया जा सकता है. उसका एक हिस्सा जो है मुंह पे और उसका पिछला हिस्सा सिर पे, तो कहते हैं कि वायरस सिर में भी हो सकता है, तो ये कच्चा जो आप बनाते हैं ये यहाँ भी काम आ सकता है. क्या बात है. बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, टिल्को को 5,000 मैंने दिए हैं, आप कब टिल्लू के 5,000 कब मैं ले लूंगा, आप कब लौटाएंगे पैसे? बेटा मैं कभी नहीं लौटाऊंगा उसके पैसे, उसको भूखा मरने दो. और जिंदगी भर शुरू रहना चाहिए सीरियल, कभी बंद नहीं होना चाहिए. थैंक यू बेटा, काश लेकिन फिल्में करने का भी मौका मिले, इस जन्म में तो ज्यादा बेहतर है. क्योंकि जब मैं अपने ही साथी लोग पंकज त्रिपाठी को, गजराज राव को और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, हाँ इन सबको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अबे तू यही फंसा रहेगा क्या? नहीं, तो ये मुझे भी लगा, मुझे लगा कि इस जॉनर में आप एकदम परफेक्ट हैं इस जॉनर के लिए. आज के दौर में आपका फोटो है, आपका फोटो, आपको जो रोल्स आपको सूट करेंगे और जिसमें लोग देखना पसंद करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप. बस थोड़ा सा इस समय हमें थोड़ा सा ना वक्त मार देता है, मैं आपको बताऊं. जी 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 जी, क्योंकि वो डेली सोप है, हर रोज कहानी है, चार लोग हैं, चारों के ऊपर कहानी बनती है. सही बात है. तो बेचारा क्या करेगा राइटर प्रोड्यूसर, वो तो कहेगा यार रोहिताश क्या करूं यार, पॉपुलर हो गया अब इसको चलाना तो है ही जब तक चलेगा, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सीरियल और मजा भी बहुत आ रहा है, क्या करूं मैं. एक और बाय करने का मौका नहीं मिला, चलेगी बिटिया तो बात नहीं, आप बोल दीजिएगा. बुला दूं क्या? एक और किसी ने कहा है कि बैक टू बैक भाभी जी चलवाइए, आप बैक टू बैक दिन भर चलवाइए. अब ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी बात पहुंचा दी जाएगी एंटी भी. हाँ. यस. कुछ लोगों से मुखातिब होले. हाँ, कुछ लोगों से मुखातिब हो जाते हैं. निखिल ठाकुर, निखिल, पंकज, पिंकू, सोनू गुप्तेश, एक तो ये तखल्लुस बड़े मुश्किल है, सौरव 72, प्रियांशु, प्रियांशी, या ये कि तिवारी जी आपकी अम्मा पंडित रामपाल से प्यार करती है, जल्दी जल्दी से जल्दी शादी करवाओ. तो बेटा हमारे असली पिताजी का क्या होगा, वो भी तो है, अब अम्मा नहीं सुन रही तो मैं क्या करूं. दो सवाल है, एक अनिता भाभी के दर्शन हो रहे हैं लॉकडाउन में, पंकज का सवाल है, पंकज पिंकू का सवाल. हाँ हाँ, दर्शन उनके हो रहे हैं अक्सर, वो जो है ट्विटर पे पाई जाती है, इंस्टा पे लाइव तो वो बहुत ही कम आती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो ट्विटर पे बहुत रहती हैं और एफबी पर भी बहुत कम है, तो ऐसे उनसे उनके दर्शन हो जाते हैं हमें. अभी एक लाइन आई है, चली गई, एक सवाल किसने पूछा था कि इस बार शिमला फेस्टिवल हो रहा है. हाँ, इस बार शिमला फेस्टिवल, आपको मैं बता दूं कि हमने एक एसोसिएशन, हमारी ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसके तहत मेरे पापा ने 1955 में ड्रामा डांस फेस्टिवल्स ऑल ओवर इंडिया में शुरू किए थे, तो ये शिमला में होता है, तो इस बार 65th है. मेरे फादर अब नहीं रहे हैं, तो मैं और मेरी वाइफ जिस थी, हम दोनों इसे संभालते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से डांस ड्रामा के बहुत बड़े बड़े ट्रुप्स आते हैं वहां पर, तो इस बार 65th ड्रामा फेस्टिवल है, गेटी थिएटर शिमला में जून में. तो 6 से 10 जून है वो होने जा रहा है, जिसमें
अगर ये स्थितियां ऐसी रही तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर हमें कैंसिल भी करना पड़ सकता है, बट अभी तक तो है, पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जी, जी। पंकज पिंकू कह रहे सर घुइया के पराठे बनाए खाएंगे क्या? हाँ बेटा, घुइया के पराठे तो अंगूरी के हाथ के खा खा के तंग आ गया हूँ, अब आलू के पराठे खिला दे तो ज्यादा मजा आएगा। क्षितिज, दीपेश, सुमन ईरानी, अनमोल, शिवम गुलाटी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक किसी अंकु अनंत लिखा है, आप ही बस हंसने का रीजन है इस क्वारंटाइन में। हाँ हाँ, क्या बात है, ऐसा कई लोगों ने कहा है एक्चुअली कि मतलब इस समय भाभी जी के रिपीट भी देख रहे हैं हम लोग, पुराने पुराने। एक तो बेचारे ने मुझे गुजरात से फोन किया कि सर मैं थोड़े सा मतलब अस्वस्थ रहता हूँ, मतलब कोरोना से नहीं, वैसे मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन मुझे जीने का सहारा दिया है सीरियल। क्या बात है जी, फोन करके कहा, पता नहीं कहाँ से फोन नंबर मिला होगा जी। इस तरह की चीजें यू नो आपको रिवाइव कर देती है, बिल्कुल रिवाइव करती हैं, वाकई है, बहुत खुशी मिलती है इस तरह से। शरद बरीवाल का नाम ले लीजिए, काफी बार बोल रहे हैं मेरा। हाय शरद बरीवाल, हेलो, कहो दोस्त, क्या बोल रहे हैं वो? पंकज, अनिल अरोड़ा, श्रीकांत, एक हार्ट सिंगिंग ने लिखा है, धंधा कैसा चल रहा है आपका? क्या बोल रहे हैं? धंधा कैसा चल रहा है? धंधा कैसा चल रहा है? बेटा धंधा मंदा चल रहा है, पूरी तरह से मंदा चल रहा है, अभी तो बच्चन साहब भी घर पे है तो हमारी क्या औकात है। सुयाश, अभी शीशो, सुशांत केने, प्रतिमन, जॉय, सौरभ, मनु, मीर, थैंक यू, धन्यवाद बेटा। कोई इम्पोर्टेंट है तो आप भी पढ़ के बोल दीजिएगा। शोभित, एक मैसेज गया राहुल, एक अमन ने लिखा है, सीइंग योर सीरियल सर इन विच यू गेट मैरिड टू अ बफेलो। हाँ, ये पंडित रामफल ने एक नया तोता पलवा दिया था हमारी अम्मा को कि इसके ग्रह दोष दूर हो जाएंगे अगर इसकी शादी जो है इस पर्टिकुलर टाइम में किसी जानवर से करा दी जाए। हाँ, तो जैसे हमारे इंडियन उसमें होता है ना, शनि का जब प्रकोप हो रहा हो तो, या हाँ, मंगली की लड़की हो तो उसकी शादी कुत्ते से या उससे कराई जाती है, टोटका करवाते हैं, टोटका। तो ये भी एक हाँ, टोटके पे कहानी थी जो हाल ही में हुई है, तो हाँ, उसमें एक भैंसिया से जो है हमें ब्याहने का चक्कर चल रहा था, तो भैंसिया को भी लेकर आए थे ये सेट पर। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। लड्डू के भैया मेरा नाम लो, बोल रहे प्रियांशी। हाय प्रियांशी, ले लिया नाम बेटा, कैसे हो? अमर, टिल्लू की तनख्वाह कभी नहीं देंगे अमर। ये हाँ, रवि जी बोल रहे हैं, आप लोगों का एक ही प्रोग्राम देखता हूँ बस, भाभी जी घर पर हूँ, नल्ला जी कैसे हैं? रवीश जी, नल्ले जी घर पर हैं अपनी असली बीवी के साथ। मीरा, हप्पू सिंह जी भी अपने घर पर है, रोटियां बना रहे हैं। राजपूत, थैंक यू राजपूत, थैंक यू। साहिल, अनमोल, अमर, थैंक यू डियर। ट्रू अमन, प्रसाद, वाकी, सत्यम, थैंक यू डियर। मीर, कई लोग तो बार बार आ रहे हैं। राजपूत, एक ही आया कि पीछे अम्मा जी आ गई आपके। अम्मा जी नहीं, बीवी आई है चाय लेके। ये अम्मा जी नहीं, असली बीवी आई है चाय लेके। क्या बात, क्या बात, yes। बहुत अच्छा मौका भी मिला, फैमिली के साथ बॉन्ड करने का एक अच्छा मौका मिला है। रोहित जी, एक बार किसी को हट बोलो और पी करके दिखाओ, लोगों ने मैसेज किया है। क्या क्या बोलिए ना, हट क्या, हट तो हट, लोग कह रहे हैं कि मैं उनके वो कर, हाँ। तो कह रही है लोग ऐसे बोल रहे हैं, हाँ करने के लिए, हाँ। क्योंकि जब भी तिवारी जी कहीं ना कहीं फंसते हैं तो वो इस तरह से करते हैं, उत्पल दत्त की तरह। ये मैंने उत्पल दत्त साहब से चुराया है, एक जेस्चर है। इंटरेस्टिंग लगता है वो। हाँ, हाँ, क्या लिखा है? जैसे कभी भी जैसे फंसते नजर आते ना किसी चीज में, जैसे तिवारी जी परसों तो आप कह रहे थे कि अम्मा घर पर है और मैंने देखा कि वो तो घर पर नहीं थी, तो हल्का सा ना वो सिठिया वो जाता है, तो वो ये जेस्चर एक नोट किया था, चुराया मैंने बकायदा,
उत्पल दत्त साहब से जो उन्होंने शौकीन अगर आपने देखी हो तो. आपकी आवाज नहीं आ रही है. शौकीन में काफी सारी फिल्मों में, काफी सारी फिल्मों में, काफी सारी. तो उन्होंने मुझे कॉमेडी थी उनकी भी, उसी जॉनर की कॉमेडी थी. यस हाँ, और बड़ी भाषा की कॉमेडी और बड़ी जेस्चर की कॉमेडी. जैसे रति अग्निहोत्री जो सबको ऐसे से किस कर रही है, तो जब हाँ. तो वो अपना गाल अचानक आगे कर देते हैं ऐसे. जब वो हाँ. अपना गाल करते तो किसी और को कर देती है, तो वो बस हाँ. हल्का सा ऐसे देखते हैं. तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स है ना, छोटे जैसे हाँ. इसको हमने भाभी जी में आंखों का बहुत ब्यूटीफुल था वो, जिससे वो बहुत ज्यादा लाउड भी ना लगे, लाउड नहीं लगते थे. एक सवाल किसी ने पूछा है क्षितिज जी ने, जैसे लास्ट टाइम गोवा गए थे वैसे ये साल किधर? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा. ये साल हम सिंगापुर जाने वाले थे, बहुत इससे अलावा भी बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हमारे सारे अरमानों पर मिट्टी फेर दी गई इस कोरोना ने. जाएंगे लेकिन आगे. इंस्टा अभिषेक ने लिखा है, चंद शब्दों में तेरी तारीफ मुमकिन नहीं, हमें पूरी किताब लिखनी पड़ेगी. वाह, थैंक यू माय डियर, आई लव यू. आपने कोरोना के दिन मेरा दिन बना दिया. एक किसी ने लिखा है, रमन चतुर्वेदी ने लिखा है, तिवारी जी नमस्कार, आजकल फुर्सत में कच्चे तैयार कर लो ज्यादा. थैंक यू रमन जी. मैंने आपको बताया था ना कि किसी दूसरे तरीके के कच्चे की डिमांड ज्यादा आ रही है, तो वो भी तैयार किए जाएंगे. धीरज खरे, अनिल अरोड़ा, अनिल जी हाँ, अनिल मैंने आपकी भाभी जी को नमस्कार भेज देता हूँ अभी. थैंक यू, ये वाली भाभी जी को नमस्कार कहा उसने. नीति, मेरे फेवरेट एक्टर कौन है पूछ रहे. मेरे फेवरेट एक्टर ओम पुरी थे और परेश रावल जी है. प्रणव, मोहित कुमार, सुरेंद्र, प्रांसी, सुरेंद्र, अविनाश मिश्रा, नेगी, जगदीश, आयुष, आयुष इंदौरा. नहीं, हरियाणा में क्या, मैं कालका में बहुत कई बार आया हूं, मैं रहता हूं भाई वहां. इसराशुल, पिंकी, नकुल दीप, थैंक यू बेटा. फरहान शेख, थैंक यू, हाय हाय फरहान. धीरज, अच्छा शोभित, आपसे वीडियो कॉल करने का मौका देखते हैं कब मिलेगा, निकालेंगे कभी. सुरेंद्र झांगी, हेलो. पंकज, अनिल अरोड़ा. इस वक्त अनिल अरोड़ा, अच्छा भाभी जी दो शब्द बोले, वो तो बेटा भी अंदर गई, देखता हूं. हेलो, अभी आपको कोई मैसेज दिखे तो. जी मैं देख रही हूँ. प्रवीण कुमार, थैंक यू. थेम पारस, पिंकी, सर गुजिया, प्रेम चौधरी. ये गुजिया की खीर, गुजिया की खीर. दूसरा सर, मुझे टीका मलखान और टिंकू की चिंता है, तो क्या कर रहे हैं होंगे लॉकडाउन में? बेटा इस समय तो सारे जो अपनी पत्नियों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में टीका मलखान टिल्लू में से जो है, जो टिल्लू की भी शादी हुई है और मलखान की भी हाल ही में शादी हुई है, तो अभी वो जो है पत्नी व्रता धर्म निभा रहे हैं. केशु, मीर, नकुल, बाप रे, खन्ना, शोभित श्रीवास्तव, थैंक यू बेटा. सक्सेना जी बेटा अपने घर में है, प्रीतम नेचुरली अपने घर में ही होंगे और आई लाइक इट कर रहे होंगे. पढ़िए आप कुछ नजर आ रहा हो रोहिता जी. ये रमन कुछ बोलना चाह रहे हैं. रमन, हाँ रमन, मैंने संजय मिश्रा जी मेरे बैचमेट थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और 3 साल हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहे हैं और हमने काफी प्रोफेशनल थिएटर किया है साथ में, मेरे बैचमेट थे वो. पिंकी, नकुल, वेणु, थैंक यू, आई लव यू टू डियर. थैंक यू दीपक कुमार, आप मेरे फैन हैं, जान के बहुत अच्छा लगा. जी विराज, मैं अच्छा हूँ बेटा, आप सब कैसे हैं? अपना ध्यान रखिएगा.
अरे थैंक यू ईमान दत्त ठाकुर, ठाकुर लिखा है ना, हाँ ठाकुर, थैंक यू डियर पिंकी, थैंक यू, आई लव यू टू डियर. अरे गॉड वंश, गॉड आप भी गॉड हैं, थैंक यू. लेकिन आपने अच्छा हंसने का डाला, मुझे लगा रोने का डाला. अच्छा प्रणय, अच्छा सोलन से हैं प्रणय आप, ओके हिमाचल प्रदेश से, थैंक यू डियर, नाइस. मैं भी शिमला से हूँ. थिंक नो न्यू. अच्छा आपका हट और ई बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू. इस राहुल, अच्छा अग्रवाल साहब के वहां से आया तो तुरंत मुझे भिजवाइए, खैर आपको ऑर्डर मिला है. एक आया है नेगी ने लिखा है, नेगी नितिन ने, तिवारी जी आपकी गुस्से वाली वीडियो देखी थी एक बार, डांट लगाइए लोग रोड पे घूम रहे हैं. हाँ बेटा बिल्कुल, वो मैंने अभी हाल ही में वीडियो डाली थी एक ट्विटर पे भी और जगह पे भी, जो मतलब लोगों ने काफी फॉलो किया, कुछ लोगों ने मुझे भी डांट लगा दी उस चक्कर में. मतलब उन्होंने ये कहा कि आप कौन होते हैं हमें डांटने वाले, आपकी हिम्मत कैसे हुई डांटने की, गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता वगैरह वगैरह. मैंने कहा भैया मैंने सिर्फ इतना ही कहा था नेगी साहब, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि लॉकडाउन के समय बाहर ना निकले, आप अगर ग्रुप में निकलोगे तो ये आग की तरह फैलता है, यही तो कह रहे हैं मोदी जी भी और सब लोग यही कह रहे हैं. लेकिन आप जो है वो लॉकडाउन के टाइम में ताली बजाने को कहा तो आप जो है ग्रुप में बाहर निकलकर दिवाली मनाने लग गए, तो ये तो गलत बात थी ना बिल्कुल. तो नहीं, लोगों को मैं यही इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन, उसके पीछे एक पूरा लॉजिक काम कर रहा है, एक पूरी नीति काम कर रही है कि हमें उस चेन को तोड़ना है, कोरोना की चेन को. अगर वो चेन ब्रेक नहीं होगी तो कितने कितने वीडियो जारी हो रहे हैं आप देख नहीं रहे हैं, वो माचिस की तिल्ली वाला कितना खूबसूरत है, एक 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 एक, एक माचिस जलती गई, एक एक माचिस तड़क करके गिरी तो सारी चेन जो है बच गई, सारी जलने से बच गई. तो इट्स लाइक दैट, एक को होगा तो हजारों को हो जाएगा, हजारों को होगा तो 11 दिन में 1 लाख, उसके बाद 67 डेज में 1 लाख, उसके बाद 11 दिन में 2 लाख, और उसके बाद मात्र 4 दिन में 3 लाख. बताइए कैसे फैल रहा है ये, तो इस चीज को समझिए यार, इतना ही कहा बस. उस वीडियो पे आए तो लाखों के करीब तो लाइक्स आए, बहुत आए, लेकिन डांट भी बहुत लगाई लोगों ने, पता नहीं क्यों. कोई बात नहीं, हेटर्स तो कुछ नहीं कर सकते. चलिए इसी नोट पर तिवारी जी, रोहिताश जी हम विदा लेते हैं, और दोबारा आपसे बात करके बहुत मजा आया. जी जी जी, थैंक यू, मजा आया, फिर बात करेंगे थोड़ा सा, अब तो फुर्सत लंबी है. हाँ ठीक, चलिए बाय. थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, बहुत आनंद आया. आप सभी दर्शकों को जिन्होंने मेरा लाइव देखा है उनको बहुत बहुत प्यार, लेकिन घर में रहे, गुरु बाहर निकलने की कोशिश ना करे कुछ दिन के लिए. लव यू, टेक केयर.